तो भाई लोग, हमने अभी यहाँ से निकलने का फैसला कराया, क्योंकि यार अपने पीछे मतलब अपने ठिकाने का उन्हें पता लग गया, जो मतलब रेल रोबरी जो हमने करी थी उनके जो चिले चापटे थे। तो भैया यहाँ से निकलना पड़ेगा, नई जगह देखने जा रहे हैं कि वहाँ क्या हिसाब किताब है, वहाँ जाके शिफ्ट होवेंगे अब हम। डाउनी चर्क ये जगह है, यहाँ शिफ्ट होना हमें, पहले जाके देखें हैं क्या हिसाब किताब है, क्योंकि यार अपनी सही वाली दुश्मनी होगी उनकी, गैल ठोक ठाक भी दिए थे वरना, तो इस बार तो बच गए भैया उनकी फौज से। अगली बार मतलब क्या खतरा हो, क्या बात है, या फिर बेस पे हमला कर रहे हैं रात वात के टाइम, तो यार इसलिए खतरा है, तो इसलिए डच भैया ने कही कि वैसे निकलने में फ़ायदा, तो भैया नई जगह देखकर चलो। तो हम भी भैया जा रहे हैं। अच्छा उसके साथ जाना, अजय लोंडे, हमने सोची सेफ जगह होगी, यहाँ तो कोई मरा पड़ा, तो इससे हमें पता लगा कि भैया ऊपर हो सके कोई कैंप वैम्प हो, जो मतलब जैसे यहाँ आया ना नीचे तो भाई से यहीं ठोक दिया, अगर कैंप हुआ तो हमें भी खतरा हो सके, तो भैया कट्टा साथ लेके चलना जरूरी है। अभी तो लोग गए हुए हैं शायद यहाँ से कहीं खाना वाना ढूंढने, लेकिन रात से का टाइम है, इस टाइम तक तो आ जाए थे पहले के पे लोग। तो ये डच भैया का लौंडा वो उज्जैन लग रहा है इनसे, कि इनका जो मतलब बाप है ना बालकों का, उसे कोई ले गया कल रात, इसलिए वो आदमी मरा पड़ा था वहाँ पे। तो हमारे पैंथ भैया ने कही कि हमारी टेंशन नहीं है वो, और यहाँ से तुम जाओ भैया, हमें इस जगह की जरूरत है। चलो इसका घोड़ा, हम तो अपने रॉल्स पे चलेंगे, रॉल्स रॉयल्स। ओ भाई भाई, पहले मैं सोचा था इसे समुद्र में ले गए क्योंकि समुद्र तक ही थे उसके इंसान, अब भाई पता लगा समुद्र से घसीटते घसीटते यहाँ लाए, फिर अंदर की साइड वापस डायरेक्ट ले गए कि कहीं उन्हें कोई ट्रेस ना गले। बस सब बंदे ये सोचें कि भैया समुद्र की साइड गए, वो ढूंढने लग रहे यार अभी भी हम उसे, जंगलों के रास्ते से ले गए पता ना कहाँ। एक सेकंड, वहाँ हो सका वो लोग सामने जहाँ अक्सी लग रही, यहाँ भी कोई ना है, वहाँ भी कोई ना था, यहाँ भी कोई ना है। तो भाई पैंथा भैया ने कही कि ये जगह हमारे लिए काम कर सके, ये सही है, तो भी डच भैया ऐसे बात करने चले हैं, क्योंकि वो काफ़ी डीप जंगल से मैं ना, तो यहाँ कोई ढूंढना मुश्किल ही है कि कोई हमें ढूंढ पावे। तो डच भैया के पास चल के उनसे बात करें कि क्या बात है यहाँ के बारे में, कैसा रहेगा। तो भाई लोग, इन भाई साहब ने हमें सोने की ईंट दे दी, मतलब ईंट तो नहीं बिस्कुट है शायद से, ईंट तो 1 किलो की है ना, बिस्कुट दे दिया 250 ग्राम के करीब का हुआ है, 24 कैरेट का, बहुत महंगा हुआ यार। तो भाई हो गए फाइनली नई जगह पे शिफ्ट, ये मतलब थोड़ी ही सेफ सी है जगह, जंगल के बीच में कुआ है, तो वो मतलब यहाँ मुश्किल ही पता लगा उन्हें, वहाँ तो पहुँच गए थे, पहुँच तो खैर जहाँ तक यहाँ भी जाएंगे भविष्य में, लेकिन कुछ दिन के तो हम यहाँ सेफ हैं। तो फाइनली ये चैप्टर ख़त्म, अगला चैप्टर शुरू, देखते हैं अगले चैप्टर में क्या हुआ है। तो भाई हम नई जगह पे तो शिफ्ट हो गया, अब डच भैया से बात करें देखें क्या सीन है। तो भाई हमने डच भैया से बात करी, डच भैया कह रहे हैं कि मतलब हमारे पैंथ भैया को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम मतलब जो लुट रहे हैं वो दुनिया में नहीं चाहती कि हम रहें यहाँ पे, लेकिन डच भैया ने कही ऐसा नहीं है, हम भविष्य का ख्वाब रखने वाले इंसान हैं, तो इसलिए अब चल रहे हैं भैया हम डच भैया के गैल गैल, फिशिंग विशिंग के लिए कही है डच भैया ने। तो भैया मछली पकड़ने का काम लगा तो बड़ा बोरिंग सा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, घंटा भर लग जाओ यार हाथ आती ना। चलो खैर कोई नहीं, चलते हैं भैया इनके पीछे पीछे, बिल्कुल इस बार अब क्या हम कतई जंगल से में कुआ है, जिससे किसी को वहाँ पता लगे हम कहाँ हैं। तो भैया हम कहीं जाए मतलब, तो भैया मछली पकड़ने जाने लग रहे थे, तो डच भैया हमारे से बात कर रहे थे, तो हमें अभी कहीं और शिफ्ट होना है यहाँ से, मतलब अच्छी खासा पैसा कमा के कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ हमें कोई ढूंढ ही ना पाए, और डच भैया ने कही कि यहाँ पे लो प्रोफाइल रहना है, ज़्यादा मतलब कुछ हरकत वरकत नहीं करनी, हथियार वत्यार नहीं निकालने, बिल्कुल शांतिपूर्वक लो प्रोफाइल रहना है, और मतलब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जो लोकल लोग है ना वो हमारे साथ में रहे, कुछ ऐसा जुगाड़ होना चाहिए। तो डच भैया कुछ प्लान से रिलेटेड अब बात कर रहे हैं इनसे, ये जहाँ तक है पुलिस के आदमी है शायद, यहाँ के जो लोकल लोग है उसके, हाँ शेरिफ के आदमी है भाई ये जो मूछ वाला आदमी है, मुच्छी लाल जो है ये है बड़े वाले शेरिफ, और ये जो है ये दूसरा वाला है छोटा शेरिफ, कैदियों के लिए जान लग रहे हो सामने से रेल आ गई। ओ भाई ताला तोड़ दिया डच भैया ने, बात में लगाया इन्होंने ताले तोड़ दिया। ओ भैया सब देख कर लग रहे हैं ना, शांति से कोई टेंशन की बात नहीं है।
भाई भाग लिए सारे, लिगड़ गए, रेल में चढ़ गए यार। सीन है भाई। तो डचविया ने हमारे से कही कि इसे, मतलब जो वांटेड आदमी है इसे चेज करो, और इसे जो छोटा वाला शरीफ है इसे भी अपनी जेल ले जाओ। तो रोल्स रॉयस जान दिखा दे बस, तेरे ऊपर बात है। नहीं, 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 नहीं। टेंशन नहीं लेने का भी रे, रस्सी काट दो भैया अपनी जेल में। एक सेकंड एक सेकंड, नाम पूछा लोंडा हमारा। चलो सही टाइम पे ऊपर हो गए। ओ गलती हो गई यार, थोड़ा शॉर्टकट सा मारना पड़ेगा। ये है पुल, एक तो पहले टपक गया, बढ़िया। इसे तो बाद में उठा लेंगे, अभी पहले रेल के साइड साइड में कुछ चला है। बाकी के भगन लग रहे रेल पे चढ़ चढ़ कर, रेल के साइड साइड में चलना हमें अभी। चल 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 चल, रोल से जान दिखा दे, बहुत पैसा लगाया यार बंदे तेरे पे। चल 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 चल, यो है फ्लैट वाला। तो भैया अब हमें इस पे कूदना। आ कूद गया, बस हो गया काम। साला ईंट फेंक रहा, ईंट फेंकेगा इसकी माँ का। एक सेकंड, साले फेंक फेंको, अरे मार साले को, पलट दिया, बढ़िया पलट दिया एक तो। भाई अब बाकियों का पीछा करना। एक सेकंड, समझाओ तुम्हारी माँ का, समझा रस्सी काट दूं। एक सेकंड, बस इतना ही बस किया, थम जा तू, आ जा साले। गला दबाओगा है, गला दबाओगा है। अबे यार रुक साला, रुक 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 रुक, हाथ निकालना पड़ेगा हाथ। चल चल, तेरी माँ का बांध दिया, बढ़िया बांध दिया दाब क्या। अब मजा आएगा ना बेटू। अब बाकी को देखें, एक और है। ओ भाई यो बंदा पेल दिया इन्ना, थम जा थम जा। आ गया डेड एंड, साढ़े चक्कू धरे तो तेरी गाड़ी में कह दूँ ऐसा। कह रहा जान तो, लेकिन भैया कर नहीं सकते, इसे बचाने के चक्कर में हम अपनी दे सकते हैं। तेरी माँ का, ओ भाई चक्कू मार लग रहा दबा के। एक सेकंड, हट साल, होश नहीं लेने देना ऐसे माते माते। हट साल, हट 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 हट, एक बार ऐसा होश ले लेने दिया तो टेंशन हो जाएगी। हट, लुटा दिया। नहीं 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 एक और एक और एक और, थोड़ा सा और मारो। हट तेरी माँ का, हट साले। ओ भाई मर गया, चेक कर लग रहा कोई हो तो ना। तो चलो आए से अपने घोड़े पे धर के ले चले। तो भैया ये हमें यहाँ के बारे में बताने लग रहा कि मतलब क्या क्या यहाँ पे, ये तम्बाकू के खेत हैं, ये सब मतलब हिसाब किताब बताने लग रहा है यहाँ का आसपास का। तो भैया जैसा वहाँ पे वैलेंटाइन टाउन था ना, ऐसा यहाँ पे रोड्स टाउन है, और वहाँ के यो मतलब लो मैन टाइप है, फटक दिया ला के। अच्छा तो भाई लोग, हमने इनसे अपना एक पार्टनर ही बचवा लिया, अपना ही साथी है कोई चचा। तो भैया इसने ताला वाला तोड़ने का प्लान बनाया था, जिससे क्या हो हमारी तो इनसे दोस्ती हो जाए, क्योंकि हम सारे अपराधियों को पकड़ लाए और इसे भी छोड़ दिया है इन्हें इसी कारण, क्योंकि भाई हमने बाकी सारे पकड़ लिए तो एक को इन्होंने छोड़ दिया कि मतलब अगर ये कुछ हरकत आगे ना करे तो हम इसे छोड़ रहे हैं। अड्डा भैया से भी इनकी मतलब बढ़िया वाली बात होगी, तो क्या होगा यहाँ का लो जो है वो हमारे साथ, जैसे एजेंट वहाँ हमारे पीछे पड़ गए, तो वहाँ के लो ने हमारे बहुत विरोध करा था, बड़ी समस्या होती है वहाँ के लो से वैलेंटाइन टाउन में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ का लो हमारे साथ देगा, तो भाई एजेंट वेजेंट भी हमारे कुछ खास नहीं उखाड़ पाने के, अगर उन्होंने हमला करा भी हमारे पे, क्योंकि भाई वो एजेंट है, वो ढूंढते ढूंढते पहुँच जाएंगे हमारे तक। लेकिन क्या है, यहाँ के जो लोग हैं, जो लो है यहाँ का, वो हमारे साथ देगा, उनसे लड़ेगा हमारे साथ में, तो हमें यहाँ पे कुछ खास समस्या समस्या नहीं आने वाली। थोड़ी सी जानकारी तो हमें उसने छोटे वाले साहब ने दी थी, डिप्टी साहब जो है,
चेला शेरीफ। ओए भाई, थोड़ी वो जानकारी इस भाई ने दी हमें, इसके बारे में अब देखें क्या है। यहाँ पे मतलब यह है कि इस टाउन में ना भाई ठीक ठाक जान पहचान होगी, और हम यहाँ पे लेकिन हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि अब हम भी लोगों के साथ में हैं, तो कुछ ऐसा काम नहीं करना जो लोगों के अगेंस्ट हो। लोगों को परेशान करना, हथियार इस्तेमाल करना, ये हम इस टाउन में नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन यह है कि हमें कोई वैसी समस्या नहीं होने वाली। अब यार मैं नहीं जा रहा फिशिंग विशिंग पर, डच भैया तो चले गए होनसिया ही गैल। होनसिया का ये काम है, जो भी होनसिया के मिशन में ना शिकार किए हुए हैं, अभी बैठे रहो बावलों की तरह बेकार है। मतलब यार होनसिया के मिशन तो भैया हम यहाँ पे आए थे, इनकी लड़ाई वड़ाई हुई थी बेस पे, तो हमने खड़ा था भैया क्या सीन है। तो आंटी तो भैया पूरी भड़की हुई है आराम से। ओ भाई आंटी तो ठोकर भी तैयार होगी सर मोटे को। तो ये आंटी जी ये कहती थी कि मतलब जब ये वहाँ पे थी, ये वो आंटी जी हैं जिन्हें हम वहाँ से बचा के लाए बस फिर ले जाके सर। तो ये कहती कि जब ये वहाँ पे थे तो ये उनके हस्बैंड मतलब सारा काम शेयर करते थे, ये मतलब हंटिंग वंटिंग सब जानना है। तो हमारे पैंथर भैया कह रहे हैं कि हम सिर्फ हंट ही नहीं करते, मतलब हम सिर्फ मारते नहीं, हम खुद भी शिकार हो जाते हैं क्योंकि भाई बाउंटी हंटर पीछे पड़ जाए वो भी बहुत केस हुए हैं। तो आंटी ने कहीं ना कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, और अब इससे चचा से हमने कुछ सामान वामान का पर्चा लिया है, इसे लेने जा रहे हैं हम पास के रोड्स टाउन में। एक कोई मतलब लेटर वेटर है उसे पोस्ट करना, और एक जो सामान का पर्चा है इसे सामान को लेने जाना रोड्स टाउन में। यह पहुंची हम उस दुकान पे जहाँ से हमें थोड़ा सामान वामान लेना था। एक सेकंड, तो अरे 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 आंटी ने कर तो कट्टा ही काट दिया भैया। डच भैया ने मना करी यहाँ इस टाउन में कट्टा ही निकालना बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग के साथ में हैं तो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते लोग के अगेंस्ट में हो। तो आंटी सामान लेने जा रही है, पता ना क्या केस करें, बस यार लड़ाई बड़ाई ना कर दें, कभी आते यहाँ भी केस होने शुरू हो जाए। तो चलो यार हम जो है खत पोस्ट करके आवें, इतने आंटी सामान वामान ले लेंगे थोड़ा बहुत, फिर हम भी आके देखेंगे। लेटर पोस्ट हो गया, काम हो गया अपना, अब आंटी जी के पास चलें, देखें किसी को ठोक ठाक तो ना आंटी ने। ओ भाई आंटी ने तो इतनी सी देर में पूरा सामान ले लिया, हम तो एक खती गिर के आए। ये सही है भाई, कपड़े लत्ते भी ले लिए अपने लिया, बढ़िया पेमेंट भी कर दिया। तो भैया इसे भी आंटी चला रही है, हम नहीं चला रहे, तेज तेज चलिए आंटी जी। भैया ये दो चिल्ले चैप्टर टाइप कुछ हैं, पता नहीं क्या है ये, हम ऐसे ज़्यादा ही मतलब दोस्ती वोस्ती करने आदि का, पता नहीं क्या बात है। ओ भाई आंटी ने तो ठोकी दिया एक को। एक सेकंड, ये हो गया चल, एक सेकंड रीलोड कर लूँ मैं। भाई साहब सही बताऊँ, गाड़ी चलाते टाइम ना सबसे बढ़िया यही रहा है, इस पर तो चढ़ा चढ़ा दे साले पे यार। एक सेकंड एक सेकंड, गिर गया हम चारों भाई साहब। आंटी जी ने गोली चलाई ना इन पर, तो एक सेकंड बेटा ऐसा कट्टा लावे जो अटके ना, ठीक है चल साले हेडशॉट। एक सेकंड एक सेकंड, हट साल तेरी माँ का, मादे मादे। एक सेकंड, तो भाई यार वो लोग है ना हमें लूटने उठने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ठोका उन्होंने आंटी जी ने, बेमतलब ना कर रहे थे वैसी हरकत, लूटने के लिए कर रहे थे। एक सेकंड यार गलत आ गया मैं, थोड़ा सा लूटपाट से बचा लिया आंटी जी ने, आगे उन्होंने पूरी फील्डिंग बिठा रखी। तो भाई यार पहुंच गए वापस, सामान वामान लेके सारा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतने, मजा आया तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।